तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस कृति गर्ग के फेसबुक पेज को हैक करने के मामले में मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हैकर लगातार अश्लील फोटो और वीडियो पोस्ट कर रहा है और एक्ट्रेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि जयपुर के विद्याधर नगर में एक्ट्रेस के पिता ने FIR दर्ज कराई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले तो जो ब्लैकमेलर है उसने फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक किया, फेसबुक पेज हैक किया और उसके बाद लगातार उस पेज से अश्लील फोटो और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। मेरी बेटी है कृति गर्ग, तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग करती है। उसने कई फिल्में तेलुगु फिल्मों में जो है बनाई है और फेसबुक पे उसका एक पेज है कृति गर्ग के नाम से, जिस पे 2.4 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। उसका पेज 24 जून को पहली बार हैक हुआ तो उस पे हैकर्स ने उसकी स्टोरी जो चलती है उस पे अश्लील पिक्चरें डालना शुरू किया, जिसकी रिपोर्ट फेसबुक को तुरंत की गई और रिक्वेस्ट किया गया कि भाई हैकर्स को जो है हटाया जाए और फेसबुक का जो पेज है उसको रिस्टोर किया जाए। इस बात की रिक्वेस्ट उस पर तुरंत रेज की गई फेसबुक पे, लेकिन फेसबुक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद रेगुलरली 25 को, 26 को, 27 को डेली जो है उस पर स्टोरीज, अश्लील स्टोरियाँ जो है चलती रही, जिसकी हर बार फेसबुक को जो है रिपोर्ट की गई, फेसबुक को रिक्वेस्ट की गई, लेकिन फेसबुक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है, जहाँ पर जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ा मामला यहाँ पर जहाँ पर तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस कृति गर्ग के फेसबुक पेज को हैक किया गया है। और आपको बता दें इस फेसबुक पेज पर लगभग 2.5 मिलियन के तकरीबन फॉलोवर्स थे। तो ऐसे में इतने बड़े पेज का हैक होना और उसके बाद इस तरीके की गतिविधि अपने आप में कई सवाल पैदा करती है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में बयां कर रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ SHO ज्योति नगर थाना वीरेंद्र खुरेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई है। देखिए, विद्याधर का जो कृति है, इसके फादर वगैरह, ये पेरेंटल घर जो इनका विद्याधर में, और उनके फादर ने ही कंप्लेन कराई थी इधर कि उनकी बेटी की फेसबुक हैक करके किसी ने उसके अंदर कोई अश्लील फोटो वगैरह डाल दी। तो इस संदर्भ में हमारे पास रिपोर्ट मिली तो हमने तुरंत फेसबुक को भी देखा और हमने साइबर, तो हमारे साइबर यूनिट है, उस साइबर यूनिट को फॉरवर्ड करते हुए जो नोडल अधिकारी हमारे साइबर यूनिट के होते हैं, तो साइबर यूनिट को भिजवा दी गई है और साइबर के आगे कार्रवाई कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, पर यह बात भी सामने आ रही है कि जो पीड़ित है वो कह रहे हैं कि मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, कार्रवाई पूरी कर दी गई है। जो कंसर्निंग फेसबुक को और कंसर्निंग जो भी नोडल अफसर है उसको लिख दिया गया है और फेसबुक की तरफ से वापस कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया है, इसके लिए वो कह रहे जी। और अभी तक कोई प्रोसेस आपने शुरू किया जिससे ये जो पेज है उसको ब्लॉक किया जाए? बिल्कुल, ये सारा सिस्टम फेसबुक के हाथ में होता है। इसको ब्लॉक करने के लिए जो भी सिस्टम है वो फेसबुक करता है। तो जो भी हमारी साइबर यूनिट के नोडल अफसर है उन्होंने सबने फेसबुक को लिंक भी दे दिया है, रिक्वेस्ट डाल दी है, सब कुछ डाल दिया है, तो फेसबुक की तरफ से इसको ब्लॉक किया जाए। आपकी कृति से कुछ बात हुई, उन्होंने कुछ कहा कि उनको क्या लगता है किसने पेज हैक किया होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उनको अननोन है, जो भी है उसके फादर से बात हुई थी तो वो कह रहे हैं पता, ये किसी को मालूम नहीं किसने हैक किया है। अभी आपको क्या लगता है कौन है जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो सकता है, किसने पेज हैक किया होगा, किस नियत से हैक किया होगा? ये सब अनुसंधान का विषय, इसमें अनुसंधान चल रहा है, कौन इसके सामने आता है, कौन इसके पीछे किसका हाथ है, जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और इस पूरे मामले में कृति खुद हमारे साथ जुड़ चुके। कृति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कब पता चला कि आपका पेज जो है वो हैक हो गया है? क्या आपके पेज को आप खुद हैंडल करती थी या कोई और इसको हैंडल करता था? तो मेरा पेज मेरे पास ही था, बट मेरी एक टीम है जो मेरे पेज को हैंडल करती है। एंड 24 जून को मुझे पता चला कि मेरे पेज पे एक्चुअली स्टोरीज में कुछ गलत गलत फोटोज शेयर होने लगी, कुछ अश्लील फोटोज शेयर होने लगे एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। एंड वहाँ से मुझे कॉल्स आने लगे फैमिली के, फ्रेंड्स के, कि व्हाट आर यू शेयरिंग, इज दिस यू शेयरिंग दिस दीज पिक्चर्स, क्या ये आप शेयर कर रहे हो? बिकॉज ऑफकोर्स मैं शेयर नहीं करूँगी, तो सब मेरे को कंसर्न के साथ कॉल कर रहे थे। तब मुझे पता चला कि ऐसी पिक्चर्स शेयर हो रही है एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट नो कि पेज किसी ने हैक कर लिया है मेरा। एंड मेरी टीम ने पूरा उसका सिक्योरिटी वगैरह सब चेंज किया, बट
कुछ टेक्निकलिटीज हैं विच आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड फेसबुक की, और वो बहुत डीप मेरे पेज में जा चुके थे कि सिक्योरिटी चेंज करने से भी उनको हम बाहर निकाल नहीं पाए. एंड थोड़े दिन के लिए मैंने अपना पेज डीएक्टिवेट किया. फिर दोबारा से रीएक्टिवेट करने पे विद इन 4 आवर्स उन लोगों ने मुझे एडमिन से ही हटा दिया, मेरी टीम को एडमिन से हटा दिया, और मेरे पूरे पेज की एक्सेस ही उन हैकर्स के पास चली गई है. कृति, आप ये बताएंगे कि जो आपका पेज था उस पर कोई 2-स्टेप वेरिफिकेशन या कुछ ऐसा आपने अपडेट कर रखा था ताकि कोई और अगर लॉगिन करता है तो आपके पास या आपकी टीम के पास कोई मैसेज वहां से कन्वे हो? बेसिकली जब हमने पूरा सेटअप किया था सिक्योरिटी का, तो हमने 2-फैक्टर ऑथराइजेशन और गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप वगैरह से सारा ऑथेंटिकेशन ऑन किया था. बट वो लोग जहां तक कि मुझे समझ में आया है उससे पहले ही ऐप में घुस चुके थे, मेरा पेज में घुस चुके थे, और उनको वो इतना अंदर घुस गए कि हम उनको वहां से निकाल ही नहीं पाए. तो जब मैंने पेज को रीएक्टिवेट किया उन्होंने तुरंत मुझे अपने पेज से निकाल दिया. बेसिकली यानी आपको और आपकी टीम को वहां से एडमिन मोड से हटा के वो खुद उसके एडमिन बन गए? जी बिल्कुल, उन्होंने हमें हटा दिया, तो मेरा और मेरा पेज ही मेरे पास नहीं रहा बेसिकली. अभी जैसे कि हमने बात भी की, कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में, पर ये पूरा मसला जो है वो फेसबुक के कंट्रोल में है, तो ऐसे में आपकी तरफ से, खुद की तरफ से कोई ईमेल फेसबुक को भेजा गया ताकि आपका जो पेज है वो जल्द से जल्द ब्लॉक किया जा सके और ऐसी कोई भी एक्टिविटी वहां पर ना हो? मैंने पर्सनली ओम्बडमैन ऑफ फेसबुक को खुद पर्सनली मेल्स डाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली है. दे हैव नॉट इवन रिस्पॉन्डेड मेरे मेल्स पे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है फेसबुक की तरफ से. The problem is they are not taking any responsibility. Facebook कोई responsibility नहीं. बिल्कुल कृति, और हम ये भी समझते हैं कि जितने ज्यादा फॉलोअर्स आपके थे उन फॉलोअर्स को गेन करना और इतना अच्छा पेज होना और उसके बाद उसका हैक होना अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका लगता है. एक्चुअली मेरे पेज पे ब्लू टिक था, इट वॉज अ वेरीफाइड पेज, जो कि अब नहीं है. जब से वो पेज हैकर्स के पास गया है मेरा ब्लू टिक भी वहां से चला गया है, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको ये सब जो मेरी तरफ से सपोजिटली मेरी तरफ से कंटेंट उनको दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, जिससे मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है बेसिकली. लाइक माई कैरेक्टर इज बीइंग क्वेश्चन्ड कि मैं ये चीजें क्यों पोस्ट कर रही हूँ. इवन टिल टुडे मेरे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ऐसी चीजें क्यों पोस्ट कर रहे हैं. तो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया है और उस चीज के लिए फेसबुक की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही है मेरे को. बिल्कुल कृति, अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द कोई एक्शन हो ताकि यहाँ पर इस पूरे मामले का कोई सोल्यूशन सामने आए. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए.